जी, प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 8 मई 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी जो है वो है आपका 105.55 पे, जो फ्राइडे के दिन में आफ्टर द एनएफपी डेटा डॉलर इंडेक्स नीचे आया था आपका 104.53 तक, बट क्लोज हायर 105.07। तो यहाँ पे एक पिन बार और हैमर कैंडल बनाया हुआ, हमारे कैंडल का जो लोकेशन था इट्स एट ए सपोर्ट लेवल, एंड उसके बाद मंडे ट्यूसडे एंड आज मॉर्निंग से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे टेक्निकली क्या हुआ है, सपोर्ट जोन पे आया है एंड वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट है कि ये रिसेंट जो स्विंग हाई है वो है आपका 106.50 की तरफ। एक पॉसिबिलिटी है कि ये 106.50 की तरफ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी है इसी रेंज के अंदर में 105 एंड 106.50 के बीच में कंसोलिडेट करे, एंड तीसरा वाला है कि दोबारा लो को, हैमर के लो को चैलेंज करे। दीज आर द थ्री प्रोबेबिलिटीज। एंड कल के दिन में क्या हुआ, फेडरल आपका पर्सन मिस्टर कशगरी है, उन्होंने रेट हाइक का मींस कमेंट ये स्टेटमेंट दे दिया। बेसिकली आप क्या देखोगे, मींस डेटा रिलेटेड अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है ऊपर की तरफ जाता है, फेड गवर्नर्स कोई ना कोई आके उसको निगेट करने के लिए सर्टेन कमेंट्स दे देते हैं। एंड जब डेटा रिलेटेड जब भी आपका डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होता है उसके बाद उसके अगेंस्ट में कोई गवर्नर आके एक स्टेटमेंट दे। So, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग मीन्स टैक्टफुली इसको एक सर्टेन रेंज के अंदर में सस्टेन करना चाहते हैं। तो सस्टेन करना चाहते हैं, आप अगर ब्रॉडर वीकली रेंज देखोगे 107 107.50 ऑन द हायर साइड जो आपका नवंबर 2022 का था, एंड नीचे के तरफ आपका 101 से 101.50 के बीच का जो सपोर्ट है। यहाँ पे एक शॉर्ट टेन्योर के लिए एक ब्रेकडाउन किया था, फिर दोबारा इस रेंज पे आ चुका है। सो डेटा अगर स्ट्रॉन्ग आता है विच सपोर्ट्स रेट कट, तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आते हैं एंड कोई ना कोई गवर्नर आके कुछ उल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं एंड डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना चालू करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पे वही खेल हो रहा है। तो आपका अभी डॉलर इंडेक्स के बारे में हमने एनालिसिस कर चुके हैं, अभी यूएससीपीए डेटा का हमें इंतजार रहेगा। जीबीपी डॉलर जो है, जीबीपी डॉलर ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एज वेल एज आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसको तोड़ नहीं पा रहे। अगर जीबीपी डॉलर को ऊपर जाना होता तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाना था एंड 3 मई को एक हाई बनाया है 1.2635, इस हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए जो हो नहीं रहा है। दैट मीन द केस यहाँ पे ये और थोड़ा टाइम पास करेगा एंड सब्सिक्वेंटली हमें देखना है क्या ये इस हाई को 1.2635 के हाई ऊपर सस्टेन करते हैं, या यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एट 1.23 इस जोन को टेस्ट करेगा, ये हमें मॉनिटर करना है। अभी जीबीपी आईएनआर सिमिलरली जीबीपी आईएनआर थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट एग्जैक्टली लाइक जीबीपी डॉलर। यहाँ पे क्या था, ये 3 मई के बाद मंडे के दिन में ये चैलेंज करने के लिए गया था, कौन सा 3 मई के हाई को चैलेंज करने के लिए गया था बट फेल। उसके बाद ट्यूजडे को दोबारा उल्टा आ चुका है। अभी ये जो जोन है बहुत ही खतरनाक जोन हो गया, ऊपर में रेजिस्टेंस नीचे में सपोर्ट। अभी इस जोन को निकालना है, क्या ये ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ निकलेगा ये हमें देखना है। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर भी हमारा यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल जो पहले सपोर्ट था एंड कुछ दिन पहले ये रेजिस्टेंस बन गया था, इसको तो तोड़ के ऊपर की तरफ गया हुआ है लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको तोड़ नहीं पा रहा। अभी ये ऊपर में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, नीचे में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। लेट इट क्लियर आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। यूरो आईएनआर सिमिलरली यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, सो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन के बीच में फंसा हुआ है, इसको इस जोन से निकालना है अगर इसको एक ट्रेंडेड मूव देना है। बेसिकली आप देखोगे कोई भी
कोई भी करेंसी पेयर्स हो एक मेजर ट्रेंड में नहीं है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर में ही चल रहे हैं। ये जो डॉलर येन है, डॉलर येन आपका फ्राइडे के दिन में अच्छा खासा लो बनाया था विद एन इंट्राडे लो ऑफ 151.85, लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इट वाज मींस वेल डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एनालिसिस। हमें देखना था कि ये जो 151.75, 152.00 इस जोन पे ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है या नहीं। ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या है, ऊपर की तरफ बीओजे का डंडा है, यानी ऊपर जाएगा तो वो डंडे से एकदम हैमर आउट करेंगे कि अब ऊपर मत आ, और नीचे की तरफ ये एक मेजर सपोर्ट है। सो कंसीडरिंग दिस, जब तक आइदर साइड क्लियर नहीं होता, यानी आइदर 160 के ऊपर ये ब्रेक आउट नहीं करते या 151.50 से 152.00 के नीचे के जोन को क्लियर नहीं करते, तब तक ये साइडवेज ही बिहेव करेगा। बीच बीच में ऊपर में जाने से वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट बीओजे एक्शंस। ये हो गया डॉलर येन। सिमिलरली येन आयनर, येन आयनर यहाँ पे क्या था, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया एंड फिर अभी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में आया हुआ है। अभी हमें जो देखना है, क्या इस ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस है, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके ये दोबारा हाई को चैलेंज करता है? ये हाई को चैलेंज करेगा फर्स्ट केस, देन हाई के ऊपर चला जाएगा सेकंड केस, ये होता है, या दोबारा ये जो रिसेंट 52.30 के जो लो मारा था ऑन 29th of April उसको दोबारा चैलेंज करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी कंसोलिडेशन जारी है इन बिटवीन 1.36 एंड ऊपर में 1.3850 के बीच में। ये फिर दोबारा यहाँ पे आपका इस लेवल पे एक ब्रेकआउट किया था, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद एक नया जोन बनाया है ऑन द हायर साइड 1.3850 एंड ऑन द लोअर साइड 1.36, 1.36 के बीच में ही ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। हमें फिर दोबारा इसको ब्रेकआउट आइदर साइड, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में ये जो हमारा 6650 का टारगेट था, बीच में यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे ये कैंडल देख के, 30 अप्रैल का कैंडल देख के, लेकिन ये टारगेट मैच किया। अभी हमें ये देखना, क्या क्या ये रेजिस्टेंस लेता है 1.6650 के आसपास, या ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है? एज ऑफ नाउ हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शंस बनने देते हैं। अभी हमें अगर देखना है क्या देखेंगे, ये देखो आप। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी क्या ये इस लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको चैलेंज करते हैं या नहीं, ये हमें देखना है। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आपका ये एक सपोर्ट जोन है, क्या प्राइस इस जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है समथिंग लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा सीढ़ी की तरह अपवर्ड मोमेंटम? तो उसके लिए हमें इंतजार करना है, या ये इसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। सीएनए 7.2270 ये फ्राइडे के दिन में एक अच्छा खासा स्विंग लो बनाया था 7.1630 का, फिर दोबारा गुड़ 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 करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 83.30। सो ये सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पे अगर टाइम पास करता है, इट्स ए कॉन्सर्न स्पेशली इन द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन के बाद क्या ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आते हैं या कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। यूएस 4.475 ये अच्छा खासा 5 दिन नेगेटिव टेरिटरी में था, अभी ये सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। सपोर्ट लेवल आपका ये है, इस सपोर्ट जोन के नजदीक आया हुआ है। अभी हमें यहाँ पे प्राइस एक्शंस को देखना है, क्या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाते हैं या नहीं। जैसे आप देखोगे ऊपर की तरफ एम पैटर्न बना के आया था, आप देखो ठीक है। सो ये हो गया, अभी हमें देखना है कि इस जोन के आसपास सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाते हैं या नहीं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली ये आपका यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके क्या ऊपर जाता है
या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना है। फाइनली अवर डॉलर रुपी गुर 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 करके 8350 का चैलेंज लेना है। सो 8350 एंड 8370 इज एन इम्पोर्टेंट लेवल। सो हमें देखना है ये जो मेजर रेजिस्टेंस है क्या मीन्स इसको इनविजिबल हैंड्स ऑलरेडी है लेकिन कब तक रहेंगे वो हमें देखने वाला चीज है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर है, एक है आपका इनविजिबल हैंड्स, दूसरा वाला है आपका सीएनएच जो अंडर कंट्रोल में है एट द मोमेंट, तीसरा वाला है आपका डॉलर इंडेक्स। अदर देन दैट सडनली कुछ जियोपॉलिटिकल केसेस आ जाते हैं तो उसका सो एज ऑफ नाउ कोई टेंशन वाला बात नहीं है जियोपॉलिटिकली। सो तीन फैक्टर में सीएनएच अंडर कंट्रोल है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड इनविजिबल हैंड्स आर देयर एट रेजिस्टेंस। सो ऐसा प्रतीत होता है फॉर नेक्स्ट फ्यू सेशंस ये जो 8350 8370 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।